Assalamualaikum to all my YouTube family. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. वैसे तो आज ईद का दूसरा दिन भी गुजर गया है, लेकिन मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया और मे बी कि ये व्लॉग आपको ईद के तीसरे दिन देखने को मिले, लेकिन मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ. और जनाब जी, ईद बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह. और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चांद रात से. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. जी जनाब, तो ये मैं आ गई थी नेक्स्ट में और मुझे अपने बेटों के लिए यहाँ से कुर्ते पाए करने थे. तो यहाँ से जी मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि जी नेक्स्ट में बड़े ही ज़बरदस्त कुर्ते आए हुए हैं. तो मैं जी यहाँ पहुँच गई कुर्ते पाए करने के लिए. और यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लगा कि देखें, एक इंटरनेशनल ब्रांड जो है उसने हमारे पाकिस्तानी स्टाइल के कुर्ते जो है वो डिज़ाइन किए हैं. तो ये देख कर बहुत अच्छा लगा. तो यहाँ से जी मैंने अहमद और अमीर के लिए कुर्ते बाय किए. और उसके बाद जी मुझे कुछ सामान बाय करना था और जी साथ ही सुपर ड्रग स्टोर था. और मैं यहाँ पर आ गई और मैंने जो जो चीज़ें लाइक एक्स्ट्रा जो चाहिए होती हैं, मेरा कुछ मेकअप फिनिश हुआ हुआ था वो मुझे बाय करना था, तो वो मैंने यहाँ से लिया. और आईलैशेस मुझे लेनी थी, वो मैंने यहाँ से ली. और इसके साथ साथ थोड़ा सा स्टोर का विज़िट भी किया और सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी. तो जी जनाब, आप मेरे साथ ही रहिएगा. और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा जी. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ईद का ड्रेस और ईद की जो भी एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी बहुत वो शेयर करूँगी, कुछ चांद रात की एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी. तो आप सब मेरे साथ ही रहिएगा और व्लॉग को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा. जी जनाब, तो ये जी सुपर ड्रग आ गए और यहाँ पर दुनिया जहान का मेकअप अवेलेबल है. इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं कि इंसान जो है ना वो थोड़ा सा घूम जाता है यहाँ पर आकर के क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें. और गर्ल्स का तो ये फेवरेट सेक्शन होता है जी. इंशाल्लाह इस स्टोर के बारे में कोई डिटेल वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ. तो मुझे जी लेनी थी आईलैशेस और यहाँ पर आईलैशेस की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं कौन सी बाय करूं और कौन सी ना बाय करूं. तो जी यहाँ मेरी शॉपिंग डन हो गई और मैंने जाना था घर, क्योंकि अमीर जो है वो घर पे सो रहा था बाबा के साथ और मुझे था कि मैं अकेले जाकर जल्दी जल्दी से शॉपिंग अपनी फिनिश कर लूं. तो जी जनाब, ये एक ओवरऑल व्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी. जो भी हमारे फ़र्स्ट डे के ड्रेसेस थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ जी है ज़ाहिद की शलवार कमीज़ और ये जी मैंने अमीर और अहमद के लिए कुर्ते बाय किए थे और ये मुझे बहुत नाइस लगे थे. थोड़े से स्टाइलिश भी थे और थोड़े फैंसी लुक भी थी, लाइक जो होता है फॉर्मल वेयर, लाइक पार्टी फंक्शंस में भी बच्चे पहन सकते हैं जो हमारे एशियन फंक्शंस होते हैं. तो ये मैंने कहा कि चलें जी ये ले लेती हूँ. ये मैंने दोनों के लिए बाय किया और आप देखेंगे कि उनको पहने हुए कैसे लगे. माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे. और यहाँ जी है अजवा का ड्रेस और इसके साथ साथ ये है जी मेरा ड्रेस. मैंने अपने तीन ड्रेसेस यहाँ पर आपको शो किए हैं, लेकिन अभी मैं आपसे एक ही ड्रेस जो है वो डिटेल में शेयर करूँगी जो कि मैंने ईद के फर्स्ट दिन पहना था. और जी जनाब, ये है जी मेरा वेलवेट का ड्रेस एंड इट्स सो प्रिटी, इट्स सो नाइस एंड इट्स सो कम्फी. और वेदर भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हो रहा था, रेनी भी था,
तो वेदर के हिसाब से मुझे बहुत कंफर्टेबल रहा और जो है ठंड भी नहीं लगी और गर्मी भी नहीं लगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इतना प्यारा तिले का काम हुआ हुआ है और इसके साथ साथ बीट्स का भी काम हुआ हुआ है और इसका ट्राउज़र भी बहुत प्यारा था। अच्छा, जब मैंने ये बाय किया था तो मैंने ट्राउज़र खोल के ही नहीं देखा था और जब मैं इसको आयरन करने लगी और मैंने देखा कि इतना प्यारा इसके ट्राउज़र पे भी सारे बीट्स लगे हुए थे। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को हमारे ड्रेसेस कैसे लगे। और ये जी है अजवा का ड्रेस फर्स्ट डे का और ये भी पाकिस्तान से बाय किया था और ये अम्ब्रेला फ्रॉक था जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड हुआ हुआ है। इसके साथ नेट के स्लीव्स थे और इसके साथ था जी चूड़ी पजामा। और अजवा को बिल्कुल आदत नहीं है ऐसे कपड़े पहनने की तो थोड़ा सा जो है पजामे को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था जी। तो यहाँ जी चांद रात हो और मेहंदी ना लगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और माशाल्लाह जहाँ पे छोटी बच्चियाँ होती हैं वहाँ की तो रौनक ही अलग होती है। तो जी अजवा मेहंदी लेकर आ गई मेरे पास कि जी चलें आप मुझे तो पहले लगा दें। तो यहाँ जी मैं अजवा को मेहंदी लगा रही थी और मैंने सोचा कि चलें जी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप लोगों को अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने हाथों पर या अपने बच्चों के हाथों पर। स्पेशली छोटी बच्चियों के हाथ इतने नाजुक होते हैं तो लाइट लाइट डिज़ाइंस और बिल्कुल जो सिंपल होते हैं वही नाइस लगते हैं। तो यहाँ जी मैंने अजवा के जो हैंड्स हैं वो दोनों पर लगा दी थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी, आपको डिज़ाइन कैसा लगा। और ये मेहंदी इतनी नाइस थी और इसका इतना ज़बरदस्त कलर आया था। अजवा ने हार्डली इसको 10 मिनट्स अप्लाई किया होगा और ड्राई होने से पहले ही धो दिया था, लेकिन इसका इतना ज़बरदस्त कलर आया था। और जी ये मैंने लगाई अपने हाथ पर क्योंकि एक ही हाथ पर मैं लगा सकती थी। तो ये जी मेरा फाइनल लुक था और मैंने भी हार्डली इसको 10-15 मिनट्स लगाया था और फिर मैंने हैंड वॉश कर लिया और इसका इतना प्यारा कलर आया। उसके बाद जी हम लोग निकल पड़े घर से टूटिंग की तरफ। और यहाँ पर जो इलाका है टूटिंग लंदन में, यहाँ पर जी चांद रात बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है और ये हमारे घर से थोड़ा सा लाइक 20 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। तो हम दो तीन फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो हम लोग वहाँ गए और वहाँ पर तो जाके ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई भी वायरस का नामा निशान है। माशाल्लाह इतना रश था, लोग इतनी गैदरिंग में थे, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि लोगों ने मास्क पहने हुए थे, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी पहने हुए थे। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम जितनी ज़्यादा एहतियात करें उतना ही बेहतर है। तो मैंने जाहिद ने अहमद ने अजवा ने सब ने मास्क पहने हुए थे। बस छोटा अमीर जो है वो नहीं पहन सकता क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटा है तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। तो यहाँ जी गोलगप्पों का स्टॉल था, यहाँ पर जी कौन मेहंदी का स्टॉल था और यहाँ पर एक जो ख़ास बात है लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर स्टॉल्स लगाकर वहाँ पर मेहंदी लोगों को लगाते हैं। गैदरिंग थी और यहाँ पर बॉयज़ जो हैं वो मिलकर डांस कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स पर। तो ये मैंने गाड़ी में गुजरते गुजरते आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की। और यहाँ जी ये शॉप मुझे बहुत अट्रैक्ट की, इतनी प्यारी ज्वेलरी थी इस शॉप पर लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और यहाँ से मैंने बैंगल्स बाय की थी अपने ड्रेस के साथ मैचिंग और कुछ भी नहीं और मुझे चाहिए था तो बस बैंगल्स चाहिए थी, बाकी ज्वेलरी वगैरह मेरे पास थी ऑलरेडी तो वो मैंने यहाँ से बाय की। तो जी ये हो गया चांद रात और अब आ गया जी ईद का दिन और ईद के दिन तो मीठा बनाना तो बहुत ज़रूरी है। और ये तो वैसे भी छोटी ईद तो कहते हैं ना, ये मीठी ईद होती है क्योंकि हम इसके दिन की शुरुआत ही मीठे से करते हैं। तो क्या ही बात है ना छोटी ईद की। और जब हम छोटे होते थे तो कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी और इसी तरह ही अब मेरे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, एक्साइटमेंट थी। और यहाँ जी मैं इनकी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही थी, आप कि इनको ड्रेसेस कैसे लगे। और ये जी बाबा से ईदी मिल रही थी और
बच्चों के लिए ईदी ईद पर ईदी के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और काफ़ी दिन से वेट भी हो रहा था और मुझसे पूछा जा रहा था कि जी हमें ईदी कितनी मिल रही है, आप हमें क्या लेके देंगी ईद पर। तो ये छोटी छोटी सी खुशियां होती हैं बच्चों की। और यहाँ जी अमीर तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था ईदी में, और बाबा जो हैं वो देने की कोशिश कर रहे थे उसको ज़बरदस्ती, लेकिन अमीर नहीं ले रहा था, तो फिर जाहिद ने जी उसकी पॉकेट में डाल दिया। तो बस जी यही हैं खुशियाँ, और इन्हीं के दम से हैं खुशियाँ बच्चों के, हस्बैंड के। अल्लाह ताला सब की फैमिलीज़ को सलामत रखे, नज़र बद से बचाए और अपने हिफ्ज़ोमान में रखे। तो यहाँ जी हम शाम को आ गए थे एक फ्रेंड की तरफ, और यहाँ पर हो रही थी जी टी पार्टी, और हमें यहाँ आकर पता चला कि जी उनके छोटे बेटे की बर्थडे थी, लेकिन आज वो कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं कर रही थी, ये बस छोटा सा केक काटा था। इंशाल्लाह जब वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो इसके साथ ही मैं आप सबको दोबारा से विश करना चाहती हूँ अ वेरी हैप्पी ईद to all of you, and hope you have a blessed Eid with your family and your friends, and remember me in your prayers. Take care. Allah Hafiz.